हे दोस्तों, मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिट द मोहित में। ये मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो है दोस्तों, तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और आने वाली वीडियोस को लेकर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा दोस्तों, अभी तो मैंने शुरू किया है, कुछ ना कुछ नॉलेज आपके साथ ज़रूर शेयर करता रहूँगा, और आप भी कर सकते हैं शेयर कमेंट बॉक्स में। और आने वाली जो मेरी कुछ वीडियोज़ होगी दोस्तों, वो जिम बिगनर्स के लिए होगी, तो आप सभी उन वीडियोस को देखने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल फिट द मोहित को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज की हमारी जो वीडियो होगी दोस्तों, वो होगी कार्डियो फॉर द बिगनर्स के ऊपर, जिसमें मैं आपको 5 एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा जो बिगनर्स है कार्डियो के, जो उनको बहुत ही बेनिफिट प्रोवाइड करवाएगी। तो उनके लिए चलते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ, तो मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के बीच में भी और एंड में भी मिलता रहूँगा। तो दोस्तों चलते अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है दोस्तों, वो है ट्रेडमिल ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक से मतलब है फास्ट वॉक। ये आपको 5 मिनट के लिए करनी है। अगर आप इसमें ट्रेडमिल को इंक्लाइन करके फास्ट वॉक करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये आपकी हार्ट हेल्थ को बूस्ट करेगी, आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करेगी, आपकी बोन हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगी। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसे ज़रूर परफॉर्म करें जिम के अंदर। तो हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज है दोस्तों, वो है रोवर। ये आपको 5 मिनट के लिए परफॉर्म करनी है, तो मैं इसमें आपको एक क्लिक के जरिए आपको दिखाता हूँ कि आप इस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करते हो। ये आपकी कैलोरीज को बर्न करता है बिना किसी एडेड स्ट्रेस के आपकी बॉडी पर। ये आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है जो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, वो न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन को इम्पोर्ट करने के लिए हमारी पूरी बॉडी में। ये आपके अंदर पावर एंड एंड्योरेंस को भी बिल्ड करता है। इससे आपकी फुल बॉडी वर्कआउट होता है, जो हमारी मेजर मसल्स ग्रुप है ये उनको हिट करता है। दोस्तों जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि हमें 1 मिनट के लिए रनिंग करनी है, और 1 मिनट के लिए वॉक करनी है ट्रेडमिल पर, नॉर्मल वॉक। तो जो उसके बाद क्या करना है दोस्तों, हमें 10 सेकंड के लिए इजी वॉक करनी है, 10 सेकंड के लिए मीडियम वॉक करनी है, और 10 सेकंड के लिए हार्ड वॉक करनी है। तो हमारी जो चौथी एक्सरसाइज है दोस्तों, वो है आपको अपने जिम में स्टेयर मास्टर का यूज करना है 10 मिनट के लिए। अगर आपकी जिम में स्टेयर मास्टर नहीं है तो आप अपनी जिम की स्टेयर्स का भी यूज कर सकते हैं। इसमें आपको 10 मिनट के लिए स्टेज में वॉक करनी है। तो ये एक्सरसाइज करने से दोस्तों आपका जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो इम्प्रूव होता है। ये एक्सरसाइज करने से आपकी पूरी लेग्स की मसल्स है वो भी स्ट्रांग होती है, आपकी बोन्स भी स्ट्रांग होती है, और आपकी कोर भी स्ट्रांग होती है। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है। तो अब हम चलते अपनी पांचवी और लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो है क्रॉस ट्रेनर। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज का यूज करने से आपकी जो कैलोरीज है वो बर्न होगी, ये आपके बेली फैट को भी रिड्यूस करती है। ये एक्सरसाइज आपके जॉइंट्स पर, जो आपके बोन्स के जॉइंट्स हैं उन पर बहुत ही कम स्ट्रेस डालती है। ये बहुत ही सिक्योर एक्सरसाइज आपके जॉइंट्स के लिए, और दोस्तों ये आपकी लेग्स को भी कवर करती है। आपकी लेग मसल्स होगी, जैसे क्वाड्स हो गया, हैमस्ट्रिंग होगी, स्टेयर मास्टर की तरह, ये एक्सरसाइज भी आपकी लेग्स को बहुत ही स्ट्रांग बनाती है। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज भी हमें जिम में जरूर करनी चाहिए, इसे मिस नहीं करना चाहिए कार्डियो के टाइम। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। अगर आप समय पर ऐसी वीडियो समय पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने यूट्यूब चैनल फिट द मोहित को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी किसी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।